पृथ्वी और समर्थ यशोदा से मिलने के लिए जयपुर आए थे। यशोदा ने उन्हें मिलने के लिए जयपुर के पुराने किले में बुलाया था। वहां पर वो अकेली थी। समर्थ और पृथ्वी को देखकर यशोदा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने पृथ्वी को देखते ही मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था पृथ्वी कि आप जवाई सा के साथ जरूर आओगे। पृथ्वी ने सख्त लहजे में कहा, यशोदा आपने हमें अट्ठे क्यों बुलाया है? के बात करनी है आपको समर्थ से? यशोदा ने समर्थ को देखते हुए कहा, कुछ तो बात करनी होगी पृथ्वी, और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? समर्थ इतना भी कमजोर नहीं है कि इतना सा सच जानकर टूट जाएगा। मुझे विश्वास है कि समर्थ अपना सच जानकर वैसे ही मजबूत खड़ा रहेगा जैसे हमेशा खड़ा रहता है। उसके बाद सुनकर पृथ्वी ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, यशोदा यह गलत है। मैंने आपको सच बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो समर्थ को भी बताएं। मैंने आप पर भरोसा किया था, आप हमारा भरोसा तोड़ रही हो। भरोसा मैं तोड़ रही हूँ? आप शायद भूल रहे हैं कि भरोसा तोड़ने की शुरुआत आपने ही की थी। यशोदा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुनकर समर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सवालों की बौछार हो गई थी। उसने पृथ्वी की ओर देखकर सवाल करते हुए कहा, ताऊसा, राजमाता किसके बारे में बात कर रही है? कौन सा सच है जिसे जानने के बाद मैं टूट जाऊंगा? के बात है ताऊसा, बताइए ना। पृथ्वी ने समर्थ को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं छोरा, ये ऐसे ही बोल रही है। इनको तो आदत है कुछ ना कुछ तमाशा करने की। तमाशा अभी हुआ नहीं है, तमाशा तो अभी होगा। ऐसा बोलकर उसने समर्थ की ओर देखा और फिर यशोदा ने समर्थ से कहा, जवाईसा ये क्या आपको आपका सच बताएंगे? मैं बताऊंगी आपको आपका सच। आपके ताऊसा तो आपको कब से धोखा दे रहे हैं। यशोदा ने पृथ्वी को देखते हुए समर्थ से कहा। ये बात सुनकर अब पृथ्वी को यशोदा पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, यशोदा बस करिए, आपकी इन्हीं बातों के कारण मैं आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप थी कि जिद पकड़ कर बैठ गई थी कि इसीलिए आपने मारे से सच जाना था। यशोदा ने उसे जवाब देते हुए कहा, आखिर कब तक आप ये सच जवाई से छुपाएंगे? जवाई सा को एक ना एक दिन तो ये सच पता चलेगा ही ना। किसी और से ये सच पता चले उससे अच्छा है हम खुद ही इसको बता दें। उसकी बात सुनकर समर्थ ने पृथ्वी की ओर देखते हुए सवाल किया, राजमाता के बात कर रही है ताऊसा? मैंने कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप बताइए ना के बात है, कौन सा सच है जिसे आप हमारे से छुपा रहे हैं, और ये आपको ऐसा क्यों बोल रही है कि आप मने धोखा दे रहे हैं? बोलिए ना, मने कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पृथ्वी ने उसे शांत करवाते हुए कहा, छोरा कुछ नहीं है, बस कभी कभी इनको तमाशा खड़ा करना अच्छा लगता है और ये वही कर रही है, लेकिन तू इन पर ध्यान मत दे और अट्ठे से वापस जा। मैं इनसे बात करता हूँ, मैं इनको समझा कर आता हूँ। जवाईसा कहीं नहीं जाएंगे जब तक इन्हें इनका सच पता नहीं चल जाता। यशोदा ने सख्त लहजे में जवाब दिया। पृथ्वी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए गुस्से में कहा, बस करिए, इतना कुछ होने के बाद भी आपको चैन नहीं आया जो आप ये सच बाहर लाकर समर्थ का घर तोड़ना चाहती हूँ? के मिल जाएगा आपको ये सब करके? वो आपको अभी पता चल जाएगा पृथ्वी कि मुझे क्या मिलेगा जवाईसा को उसका सच बताकर। बस थोड़ा इंतजार करिए, मैं सब कुछ बताऊंगी आप दोनों को, यशोदा ने जवाब दिया। समर्थ को यशोदा और पृथ्वी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो उन दोनों को परेशान नजरों से देख रहा था, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, आप लोग के बात कर रहे हो, कोई मने भी बता दो, मने कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ छुपा रहे हो क्या आप दोनों? मैं ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ हूँ, मारा टूटना इतना आसान नहीं है, मने सब कुछ जानना है, के छुपा रहे हो आप? बताइए मने, बताइए। उसकी ऐसी हालत देखकर पृथ्वी को अब उसकी चिंता होने लगी थी और साथ साथ यशोदा पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। यशोदा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है आप इतने कमजोर नहीं हो कि आप ऐसे ही टूट जाओ, इसलिए तो आपको बुलाया है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने झट से कहा, तो बताइए के बात है, और कितना इंतजार करवाएंगी आप? मने जानना है कि आप के मने बताने वाली थी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी डर गया। उसने समर्थ को समझाते हुए कहा,
छोरा कोई बात नहीं है, तू जा और गाड़ी में बैठ, मैं यशोदा से बात करके आ रहा हूँ। समर्थ ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर उसने यशोदा की ओर देखते हुए कहा, आप चुप क्यों हैं? जल्दी बताइए, आपको के बताना है? पृथ्वी ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, समर्थ जिद मत करो, मैंने कहा ना तू जा और गाड़ी में बैठ, मैं यशोदा से बात करके आ रहा हूं। मैंने भी कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने अपना सच जानना है। आखिर क्यों राजमाता ने मैंने अट्ठे बुलाया, मैंने जानना है कि के बात है। आप प्लीज मैंने मत रोको, समर्थ ने पृथ्वी के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पृथ्वी को यशोदा के साथ साथ समर्थ पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि पता नहीं समर्थ सच जानने के बाद क्या करेगा। उसने कुड़ते हुए मन में कहा, यशोदा ये आप अच्छा नहीं कर रही हो, मैं आपकी इस गलती के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। वो गुस्से में यशोदा को घूर रहा था और यशोदा भी उसको घूर रही थी। उसने पृथ्वी को देखते हुए मन में कहा, मुझे पता है कि आप मन में मुझे ही कोस रहे हो, मैं जानती हूं कि ये सब करने से जवाई सा को दुख होगा, लेकिन ये सच जवाई सा के लिए जानना जरूरी है। समर्थ ने सख्त लहजे में कहा, आप दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? मने सच बताइए, जल्दी बताइए, मारे से ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। मने जानना है कि आखिर के बात है जिसके लिए आपने मने बुलाया, और आप ताऊसा पर ये इल्जाम क्यों लगा रही हैं कि इन्होंने मने धोखा दिया, बताइए राजमाता। उसकी बात सुनकर यशोदा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये सच जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप हार नहीं मानोगे और किसी को गलत नहीं समझोगे, खास करके अपने ताऊसा को। इन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके भले के लिए किया। समर्थ ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, ताऊसा जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, भगवान भी आकर मने बोले कि हमारे ताऊसा गलत है, तो भी मैं अपने ताऊसा को गलत नहीं समझूंगा, मने पता है इन्होंने कभी कोई काम गलत नहीं किया। उसकी बात सुनकर यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप अपने ताऊसा से, उतना ही ये भी आपसे करते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। पृथ्वी ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, यशोदा आप जो भी कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो, अगर समर्थ को कुछ भी हुआ तो मैं बोल देता हूँ मारे से बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा, मैं अब तक चुप था क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। उसकी बात सुनकर अब यशोदा को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, पृथ्वी आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ वो सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो फिर आप क्यों समर्थ को उसका सच बताना चाहती है? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ सही चल रहा था ना, फिर भी आपको सब खराब करना था, लेकिन क्यों, क्या मैं जान सकता हूं? पृथ्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। यशोदा ने उसको साइड में करते हुए कहा, मैंने यहां आपको नहीं जवाईसा को बात करने के लिए बुलाया है, तो मैं उसी से बात करूंगी, मुझे आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऐसे रवैये को देखकर समर्थ ने गुस्से में कहा, राजमाता आपको जो भी बात करनी है साफ साफ कीजिए, आपको हमारे ताऊसा के साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसी बदतमीजी करनी है तो मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी। यशोदा ने उसे शांत करते हुए कहा, जवाई साहब आपको मेरी बात सुननी होगी, मैं मानती हूँ कि मैं पृथ्वी के साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, पर ये भी तो गलत कर रहे हैं मेरे काम में टांग अड़ा कर, मुझे तो आपको सच बताना है तो फिर पृथ्वी मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे, क्या इनको आप पर भरोसा नहीं है? मारे ताऊसा को मारे पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, आप अपनी बात बताइए। समर्थ ने सख्त लहजे में यशोदा को जवाब दिया। यशोदा ने एक नजर पृथ्वी की ओर देखा और फिर समर्थ को देखते हुए कहा, तो ठीक है बताती हूँ आपको आपका सच, आपको याद है 1.5 साल पहले आपके परिवार पर हमला हुआ था और उस हमले में आपकी जान जाते जाते बची थी, आपकी जान बची थी तो सिर्फ और सिर्फ आपके ताऊसा की सूझबूझ की वजह से। उसकी बात सुनकर समर्थ ने एक नजर पृथ्वी की तरफ देखा और फिर यशोदा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जानता हूँ ताऊसा ने मारे पे ऐसे बहुत से एहसान किए हैं जिनको मैं इस जन्म में तो शायद ही चुका पाऊंगा,
ये सुन पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसे याद आया कि आज यशोदा समर्थ को उसका सच बताने वाली है तो वो मुस्कान गायब हो गई। समर्थ ने यशोदा से सवाल किया, अब आप ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए और बताइए के बताना है आपको। यशोदा ने उसे देखते हुए कहा, जवाई सा आप उस हमले में इतने जख्मी हो गए थे कि आपको बचाने के लिए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। ये बात सुनकर समर्थ ने झट से कहा, ये भी मैं जानता हूं, मणिताउसा ने बताया था, क्या आपको यही बताना था या कुछ और? मैं भी जानती हूं कि ये बात आपको पता होगी कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, पर शायद ये नहीं पता होगा आपके सीने में जिसका दिल धड़क रहा है वो इंसान कौन था। यशोदा ने सामने से कहा। पृथ्वी को उसकी बातों से अंदर ही अंदर समर्थ की चिंता हो रही थी। जैसे जैसे यशोदा समर्थ को उसके सच के करीब ले जा रही थी, पृथ्वी के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो मन में बोला, पता नहीं समर्थ को सच जानने के बाद कैसा लगेगा, कि समर्थ खुद को संभाल पाएगा। अगर समर्थ के साथ कुछ भी हुआ तो मैं यशोदा को कभी माफ नहीं करूंगा। समर्थ ने यशोदा को जवाब देते हुए कहा, वो कोई भगवान का दूत था जो तुम्हारी जान बचाने के लिए आया था। यशोदा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वो भगवान का दूत और कोई नहीं आपका भाई था, जिससे आप सख्त नफरत करते हो, जिसकी कोई भी चीज आप अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपका भाई था जिसका दिल आपके सीने में धड़क रहा है। उसकी बात सुनकर समर्थ को चिंता होने लगी। वही पृथ्वी का भी यही हाल था, उसको तो डर के मारे पसीने आने लगा था। समर्थ ने झट से सवाल किया, आप किसकी बात कर रही हैं राजमाता, जल्दी बताइए मारे को उसका नाम जानना है। यशोदा ने जवाब देते हुए कहा, आपका सगा भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिससे आप सख्त नफरत करते हो। उसकी बात सुनकर समर्थ ने चौंकते हुए कहा, कि आप के बोल रही हो, कैसे सहन कर पाएगा समर्थ अपना सच, क्या करने वाली है यशोदा समर्थ को उसका सच बताकर, क्या समर्थ कभी माफ कर पाएगा पृथ्वी को। जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ को जब यशोदा के मुंह से ये पता चला कि उसके सीने में धड़कने वाला दिल राघव का है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसके सीने में राघव का दिल धड़क रहा है। उसने चौंकते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हो राजमाता। समर्थ ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है ना ताउसा, बोली ना राजमाता झूठ बोल रही है ना, मारे सीने में राघव का दिल नहीं है ना, ये झूठ है ना, बोलिए ताउसा। पृथ्वी ने उसे संभालते हुए कहा, छोरा शांत हो जा, शांत। कैसे शांत हो जाऊं ताउसा, देखिए ना राजमाता के बोल रही है, मारे सीने में राघव का दिल है, ऐसा कैसे हो सकता है। मारा हार्ट ट्रांसप्लांट तो राघव के साथ हुए हादसे से काफी दिन बाद हुआ था, वो तो उस हादसे में चल बसा था ना, तो फिर मारे सीने में उसका दिल कैसे पहुंच सकता है, ये झूठ बोल रही है ना, बोलिए ना। ऐसा बोलते हुए समर्थ ने उम्मीद भरी नजरों से पृथ्वी की ओर देखा। पृथ्वी को अब यशोदा पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में यशोदा पर बिगड़ते हुए कहा, अब आपको शांति मिल गई यशोदा, यही देखना चाहती थी ना, यही चाहिए था ना आपको, के जवाब दूं मैं इसे। यशोदा ने पृथ्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसे सच बता दीजिए, कब तक इससे सच छुपाएंगे आप। पृथ्वी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आपके अंदर बिल्कुल भी जज्बात नहीं है ना, आपको जो करना होता है उसके लिए आप कुछ भी कर जाती हैं। इतना बोलकर पृथ्वी ने समर्थ को समझाते हुए कहा, खुद को शांत करके मारी बात ध्यान से सुन छोरा, मैं थारे को बताता हूं कि के हुआ था। जिस अस्पताल में थारे को एडमिट किया गया था, उसी अस्पताल में राघव को भी रखा गया था। उसने समर्थ को एक एक करके राघव और उसके अतीत का सारा सच बता दिया। उसकी बात सुनकर समर्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने चौंकते हुए कहा, ताउसा इतनी बड़ी बात आपने मारे से छुपाई, मारे अंदर मारे उस भाई का दिल है जिससे मैं जिंदगी भर नफरत करता रहा,
भगवान की लीला देखो ताऊसा, उसने ही मारे को जीवन दान दिया। अगर सिया को ये बात पता चल गई तो वो मारे से नफरत करने लगेगी, मारे से कभी प्यार नहीं करेगी, सब मारे से नफरत करेंगे। बापू सा, मारे भाई सा, सब मारे से नफरत करेंगे, मारे से मारे सब अपने छिन जाएंगे। पृथ्वी को उसके लिए बुरा लग रहा था, अंदर से तो यशोदा को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। वो भी मायूस हो गई थी। उसने मन में कहा, मुझे माफ करना समर्थ, मैं ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है। पृथ्वी ने समर्थ को शांत करते हुए कहा, समर्थ छोरा शांत हो जा, कोई थारे से नफरत नहीं करेगा, ये सब किस्मत का खेल था। हर इंसान इस धरती पर आता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। शायद राघव का भी यही मकसद था। अब उसे भूल जाओ, तुम ठीक हो, मारे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मने पता है बाकी परिवार वाले भी थारा सच जानकर खुशी होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। उनके एक बेटे में उनके दूसरे बेटे का अंग है। उनका राघव चाहे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन थारे दिल के रूप में वो उनके साथ है। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। ताऊसा, सब तो मान जाएंगे, लेकिन सिया का क्या? वो मानेगी क्या? वो महारे को अपना लेगी क्या? नहीं अपनाएगी वो महारे को ताऊसा, समर्थ ने रुंधे स्वर में कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी से कुछ बोल पाता उससे पहले ही यशोदा ने कहा, हाँ, वो आपको कभी नहीं अपना पाएगी। जवाईसा, उसे अगर एक बार सच पता चल गया तो वो शायद आपके करीब भी रहना नहीं चाहेगी, शायद आपका रिश्ता भी खत्म हो जाए, और पता नहीं वो सदमे में खुद के साथ क्या कर ले। यशोदा की बात सुनकर समर्थ को सिया की चिंता सताने लगी। उसे सिया के लिए डर लगने लगा। उसे अंदर से लग रहा था कि सिया उसे छोड़कर चली जाएगी, उससे दूर हो जाएगी। इसी बात का डर अब उसे सताने लगा। उसने बौखलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मारी चतुरी मने छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं, उसे ये सच नहीं पता चलेगा। उसने ऐसा बोलकर पृथ्वी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। पृथ्वी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं पता चलेगा छोरा, बस तू खुद को शांत रख, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। उसकी बात पूरी करते हुए यशोदा ने कहा, हाँ जवाईसा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक कि मैं उसे आपका सच बता ना दूं। उसकी बात सुनकर पृथ्वी ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, यशोदा, आप चाहती के हो? मैं कब से आपको देख रहा हूं, आपने क्यों बच्चों की जिंदगी को नर्क बना रखा है? आपको चाहिए के इनको खुश देखकर आपको चैन नहीं है, कि आप इनको खुश नहीं देख सकती, के बिगाड़ा है इन दोनों बच्चों ने आपका, क्यों घर तोड़ना चाहती हैं आप इनका? मेरा मकसद इनका घर तोड़ना नहीं है, बल्कि बचाना है, और इसके लिए समर्थ को मेरी बात माननी होगी। अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी का भी घर तोड़ने से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे वो मेरी पोती ही क्यों ना हो, यशोदा ने सख्त लहजे में कहा। पृथ्वी ने गुस्से में कहा, यशोदा, मने आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप अपना मकसद पूरा करने के लिए बच्चों की जिंदगी खराब करने जा रही हैं। यशोदा ने एक गहरी सांस लेते हुए पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, आप जानते हैं मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए अपने रास्ते से किसी को भी हटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकती। किसी को से आपका के मतलब? ये दोनों हमारे बच्चे हैं और तुम हो कि इन्हें रास्ते से हटा रही हो, इनकी जिंदगी तबाह करके धारे को के मिल जावेगा? ऐसे मकसद को पूरा करके के पालोगी? अपने बच्चों को दुखी करके थारे को कभी खुशी नहीं मिलेगी, इनको अलग मत करो। पृथ्वी ने यशोदा को समझाते हुए कहा। यशोदा ने सख्त लहजे में पृथ्वी को जवाब देते हुए कहा, मैं इन्हें अलग नहीं करूंगी, अगर जवाई सा मेरी बात मान लेंगे। आप चिंता मत कीजिए पृथ्वी, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी अपने बच्चों के साथ, बस समर्थ को मेरी छोटी सी बात माननी होगी। बात माननी होगी? कौन सी बात? के मनवाना चाहती हो आप समर्थ से? यशोदा, कुछ भी गलत मत करना, मैं बोल देता हूं, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी आपसे प्यार। इतना बोलते बोलते पृथ्वी चुप हो गया।
उसकी बात सुनकर यशोदा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, पृथ्वी आप अपनी हद में रहिए। उसकी बात सुनकर समर्थ ने उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, राजमाता प्लीज आप सिया को कुछ मत बताइएगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, वो अगर मारे से अलग हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप भी जानती हैं कि वो भी मारे बिना नहीं रह पाएगी, और ये सब जानने के बाद वो मारे करीब कभी नहीं आएगी और मारे से दूर भी नहीं रह पाएगी, तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और मारी भी। यशोदा ने उसे समझाते हुए कहा, जवाई साहब चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे भी पता है कि सिया की जिंदगी में आपकी वजह से खुशी आई है, मैं उसको खुश देखकर ही बीती बातों को भूली हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने पृथ्वी की ओर देखा तो पृथ्वी ने अपनी नजरें फेर ली। यशोदा ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, मैं बस आपसे अपना एक काम करवाना चाहती हूँ। आप मेरा काम कर देंगे तो मैं सिया को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आपने मेरी बात ना मानकर मेरा काम नहीं किया तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगी सिया को सच बताने में, फिर चाहे वो कितनी भी दुखी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने मकसद के लिए बहुत कुछ खोया है, अगर मुझे मेरी पोती की खुशी को भी खोना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं। पृथ्वी दिल ही दिल में यशोदा को कोस रहा था। उसने मन में कहा, आपके इसी मकसद की वजह से हम दोनों अलग हुए थे, आपको सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है, उसके आगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपने हमारा प्यार भी ठुकरा दिया था सिर्फ अपने मकसद के लिए। यशोदा की बात सुनकर समर्थ ने उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मारे को नहीं पता कि आपका मकसद क्या है, मारे को सिर्फ इतना पता है कि मारी चतुरी मारी जिंदगी है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता, इसलिए मैं उससे दूर नहीं हो सकता। यशोदा ने जवाब देते हुए कहा, जवाई साहब आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। उसकी बात सुनकर पृथ्वी और समर्थ उसको हैरानी से देखने लगे। उन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पृथ्वी को सब समझ आ गया था। वो गुस्से में बोला, यशोदा आप गलत कर रही हैं। इतने लोगों की बलि देने के बाद आप अब समर्थ को दांव पर नहीं लगा सकती। आप भूल रही हैं आपके छोरे राणा जी की मौत का कारण राजनीति ही है। पृथ्वी, क्या मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रही हूं? बोलिए ना, बताइए, अगर ऐसी बात है तो मैं सिया को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। यशोदा ने पृथ्वी की बात काटते हुए ऐसा कहा तो पृथ्वी चुप हो गया। वहीं समर्थ ने असमंजस से सवाल किया, आप मने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करवाना चाहती हैं राजमाता? जवाईसा, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा समय आने पर, लेकिन अभी आपको मेरी बात माननी होगी और पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको सिया को खुद से दूर करना होगा। यशोदा ने ऐसा कहा तो समर्थ ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये के बात हुई? आपने बोला कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो तो आप चतुरी को मारे दिल का सच बताकर उसको मारे से दूर नहीं करेंगी, और अब आप खुद ही बोल रही हो कि मैं खुद चतुरी को दूर कर दूं। आप चाहती की हो, साफ साफ बताइए ना। यशोदा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जवाई सा, मैं आपको सिर्फ पॉलिटिक्स में भेजना चाहती हूँ और सिया को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं करना चाहती, मैं उसे सिर्फ आपसे कुछ समय के लिए दूर करना चाहती हूँ ताकि आप पॉलिटिक्स पर फोकस कर सके, और आपके इस कदम से अपोजिशन वाले या हमारा कोई दुश्मन सिया पर अटैक ना करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिया आपकी कमजोरी है और उस पर अटैक हुआ तो आप सहन नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर समर्थ कुछ देर के लिए शांत हो गया। यशोदा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं पहले भी अपने परिवार को खो चुकी हूँ, फिर से नहीं खो सकती। हमारे दुश्मनों को तो बस हमारे परिवार को टारगेट करने का एक मौका चाहिए, और मैं ये मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि आपका हमारे परिवार से सिया की वजह से रिश्ता जुड़ा है, इसलिए वो सिया के साथ साथ आपको भी टारगेट कर सकते हैं, उनको सिया की लोकेशन भी तो पता चल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर तो हम सिया को वापस बुला लेंगे। उसकी बात सुनकर समर्थ बौखलाते हुए बोला, वापस बुला लेंगे? क्या मतलब वापस बुला लेंगे? कटे भेजने वाली है आप चतुरी को, कहीं आप उसे वापस लंदन तो नहीं भेजने वाली? मैं उसको खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकता। समर्थ बाकियों के लिए बहुत ही कठोर था, लेकिन सिया के मामले में अब बहुत ही नरम हो चुका था। सिया समर्थ की कमजोरी बन चुकी थी, इसीलिए यशोदा ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था
उसे अच्छे से पता था कि समर्थ से बात मनवाने के लिए सिया को जरिया बनाना होगा। यशोदा समर्थ की बात सुनकर सोच में डूब गई थी। उसे देखकर पृथ्वी ने गुस्से में कहा, आप चुप क्यों हो गई? जवाब दीजिए, कठे भेजने वाली है आप सिया बींदनी को? कहां भेजने वाली है यशोदा सिया को? क्या मकसद है यशोदा का? क्या समर्थ सिया के रिश्ते में आ जाएंगी फिर से दूरियां? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।